Good morning everyone welcome to brainy lads and having discussed the first 5 chapters of the first flight one of the textbooks of class 10th let's move on to the sixth chapter that is the hundred dresses part 2 which is going to be the part of your first or you can say term 1 mcq based examination so guys in this lecture we'll talk about the extracts which can be the part of your exams we'll talk about literary devices important vocabulary and much more but before we move on we would request you to subscribe to our channel do press the bell button so that you can get the timely updates and along with that you can visit our official website that is www.brainylads.in where you find notes of almost all the subjects be it physics chemistry biology economics अकाउंटेंसी जियोग्राफी पोलिटिकल साइंस फिजिकल एजुकेशन म्यूजिक इंग्लिश यू फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स सारे एम सी क्यूज आपको मिल जाते हैं नोट्स भी आपको मिल जाते हैंजियर फॉर यू आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती वेन यू विजिट ब्रेनी लैड्स एंड वी प्रोवाइड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट वी डोंट चार्ज इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम यू बैस गॉट द पॉइंट चले विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट Uh, first extract that dear teacher my wanda will not come to your school any more jake also now we move away to big city no more holler pollock no more ask why funny name plenty of funny names in the big city. a deep silence met the reading of this letter miss mason took off her glasses blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. जो लड़की थी शी हेज लेफ्ट द स्कूल उसके फादर ने एक लेटर लिखा है उसको देखकर शी इज गेटिंग इमोशनल एज वेल क्योंकि बच्चों की वजह से एक छोटी सी लड़की वो हेल्ड फ्रॉम अकूल छोड़कर चली गई सो एज यूजल फर्स्ट क्वेश्चन इज ने हंड्रेड पार्ट टू टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लेटर टू गॉड ये तीनों आंसर्स के आए गए इनकरेक्ट हैं राइट आंसर इज दंड्रेडिज पार्ट टू वो इज द ऑथर ऑफ द हंड्रेडिस पार्ट टू गएर इज द राइट नेम जो ऑथर है इसके एल एयर एस्टेस फर्स्ट पार्ट के थे लेम ऑफी ये इसके नहीं हैं जी एल फिंटस इसके नहीं ये लेटर टू गॉड के हैं तो राइट आंसर इज एल बसोर एस्टर एल बसोर एस्टर लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सी सी क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस सी एंड डी में क्या है हु हैड रिटन दैट लेटर टू वोंडास टीचर मिस मिस को Miss Mason को ये किसने लिखा था लेटर गाइस ये आपको बताना है क्वेश्चन में ये है वोंडास मदर नो वोंडास फादर यस उसकी सिस्टर ने नहीं लिखा था उसके ब्रदर ने नहीं लिखा था दैट लेटर वाज रिटन बाय वोंडास फादर व्हाट मेड वोंडा लीव हर स्कूल क्यों उसने स्कूल छोड़ा ड्यू टू स्ट्रेंजेंट पनिशमेंट

The first period was a study period. Meddy tried to prepare her lessons but she could not put her mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. But she had said nothing. She had stood by silently and that was just as bad as what Peggy had done. Worse, she was a coward. At least Peggy had not.

क्विकली हुज बीन कोल्ड कावर्ड क्विकली गड मेडी को कहा गया नो no, मेडी ने कावर्ड नहीं बोला गया इस मेडी कहने वाली है कावड़ किस को बोला गया पैगी को वोंडा को नहीं बोला गया मिस मैसन को नहीं बोला गया हाउ केन समीचर अ कावर्ड गैगी वट इज अ फ्रेज पुट हर सेल्फ इन समूज मीन क्या मतलब होता है किसी से माफी मांगना टू अपोलोजाइज टू रिजॉय एन्जॉय करना किसी की बेजती करना नो टू फील एज सेम एज द अदर डस दूसरों के जूते में जाने का मतलब होता है टू पुट योर सेल्फ इन सम वन शूज कि आप महसूस करें कि वो बंदा कैसा महसूस कर रहा है अपने आप को उसकी जगह रख कर देखना है इस कॉल्ड पुट योअर सेल्फ इन सम वन शूज और पुट हर सेल्फ इन समन शूज वट वॉज द नेम ऑफ द टीचर क्वाइट क्लियर है सिंह नहीं है ये एनी फ्रेंक वाले में थे मिस मैबिन नहीं है मिस स्पेकुलेटाइड नहीं है मिस मेसन इज द राइट आंसर इट

जिसका मतलब होता है टू स्टे कहाँ पर रहते थे गाइज वोंडा कहाँ रहती थी आपको बताना है किस कैसी लोकेलिटी थी क्या वो डिस्मिल थी यस yes. क्या वो डैम्प थी यस yes. क्या वो ड्रिजली थी तीनों एडजेक्टिव्स बिल्कुल सूट करते हैं तो राइट आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज हो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन राइट लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सी एंड डी विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज इन ड्रिजली डैम्प तीन बार होती है, तो गैस वो क्या हो जाता है एलिट्रेशन यहाँ पर परसोनीफाई नहीं किया गया कॉन्ट्राडिक्टी टर्म्स का यूज नहीं किया गया कॉन्ट्राडिक्टी टर्म्स एक सेंटेंस में यूज नहीं की गई तो एंटीथिस ऑक्सीमोर परसोनिफिकेशन नहीं हो सकता Yes, ज़्यादा आपको पोएट्रिक डिसेस डेप्थ में पढ़नी हो तो यू कैन विजिट अ वेबसाइट दैट इज डब्ल्यू 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 डॉट ब्रेनी लैब्स डॉट इन यहाँ पर सर्च बॉक्स में जाइए एक सर्च बॉक्स मिलेगा आपको राइट हैंड साइड पे वहाँ लिखिए पोट्रिक डिवाइस सर्च कीजिए आपको वीडियो नोट्स दोनों मिल जाएंगे एक बार आपने थर्टी पोइटिक डिवाइसेस पढ़ ली यू नीड नॉट गो थ्रू एनीथिंग इन क्लास नाइन्थ टेंथ इट चलिए लेट्स मूव ऑन द लास्ट वन द वर्ड डम डम का क्या मतलब होता म्यूट स्लो तीनों होते हैं गाइज तो राइट आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा लेट्स मूव टू वन गाइज नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे बढ़ते हैं एक्सट्रैक्ट फोर्थ पे डेज एंड देर वॉज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक सो मे बी हैड रिसीव्ड इट Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. Weeks went by and still Wanda did not answer. Peggy had begun to forget the whole business and Maddy put herself to sleep at night, making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got? Got it? So, question number first, take the answer, guys. वाई वॉज वॉन्डा नॉट रिप्लाइंग अकॉर्डिंग टू दैम क्यों रिप्लाई नहीं करी थी बिकॉज शी वॉज हर्ट एंड एंग्री उनके हिसाब से बताना गैस फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन आर इनकरेक्ट क्योंकि उनको लगता था शी वॉज हर्ट उसको बुरा लगा है शी माइड प्रोबेबली बी एंग्री इन दोनों रीजन्स की वजह से शी वॉज नॉट रिप्लाइंग हाउ डिड द गर्ल्स टी इज वॉन्डा मिस नेमिंग हर उसका नाम बिगाड़ के नो पुलिंग हर ब्रेज उसकी चोटियाँ खींच के नो आस्किंगी ड्रेसेज शी हेज गॉट येस हाउ मनी टेलिंग हर नो टेलिंग नहीं गैस पूछ कर कि कितनी ड्रेसेस है उसके पास हु ऑफ द फॉलोइंग सिंपैथिक टू वर्ड्स वोंडा यह आपको बताना है गस कौन सिंपैथिक था वोंडा के लिए क्वेश्चन नंबर सी एंड डी आपको बताना है गज फर्स्ट ऑप्शन मेडी सिंपैथिक थी अभी येस yes, पैगी भी सिम्पैथिक थी दे वॉन्टेड टू मीट वोंडा बट दे कु नॉट मिस मेसन सिम्पैथिक नहीं थी गैस तो राइट right ऑप्शन अभी आपका फिलहाल क्या आएगा बोथ वन एंड टू वट काइंडट हैव रियल ड्रेसेज नहीं थी गैस उसके पास ड्राॅइंग्स थी कितनी ड्रेसेज की हंड्रेड ड्रेसेस की यह आपके चैप्टर का नाम भी है गैस ड्रॉइंग मतलब पेंटिंग्स थी पिक्चर्स थी डिजाइनर ड्रेसेस नहीं थी नन ऑफ दीज नहीं होगा सेकेंड इज द राइट आंसर लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट फिफ्थ हाउ यू रूम थर्टीन प्लीज टेल द गर्ल्स दे केन कीप दो हंड्रेड ड्रेसेज बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव अ हंड्रेड न्यू वंस all lined up in my closet. I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress. Peggy को कौन सी drawing रखनी है green dress की with the red trimming जिसके अंदर trimming किससे की, की गई है red से and a friend Maddie to have the blue one. यानी yani Peggy के लिए green और Maddie के लिए blue. ये उसने बोला कि वो रख सकती है. For Christmas I missed that school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. Got it? तो so, Wanda ने reply किया था. और in exchange देखिए

री हम्बल हम्बल है बात कर रही है जब वो किस से लेटर के थ्रू वोंडा और मेडी से विच कलर ड्रेस डिंडा वॉन्ट मेडी टू कीप मेडी को कौन सी ड्रेस रखने के लिए कहा था गए मेडी को बोला गया था ब्लू कलर करने के लिए तो ब्लू ऑप्शन है येस yes. ग्रीन बोला गया था पैगी को ये पैगी के लिए थी और मेडी के लिए क्या थी गाइज ब्लू थी तो रेड और पिंक का तो नाम ही नहीं है वट व्यू डिडा हैव अबाउट हर फॉर्मल स्कूल

शी इन द फर्स्ट लाइन शी कौन है गाइज आपको बताना है मेडी है पैगी है वोंडा है या मिस मेसन है फटाफट जल्दी से बताइएगा इस कौन है मेडी है पैगी नहीं है वोंडा नहीं है मिस मेसन नहीं है विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज इन इट लुक लाइक लाइक जहाँ आ जाएगा इस ब्लाइंडली लाइक और एज जहाँ आ जाए फॉर कंपेरिजन आपका आंसर क्या होगा सिमली कोई कॉन्सोनेटी रिपीट नहीं हो रहा कोई कॉन्ट्रोडिक्टी टर्म्स कुछ परसोनीफाई नहीं किया गया

किससे मिलता था वोंडा की जो ड्राइंग था जो मैडी को दी गई थी उससे किसका फेस डिसम्बल करता था मैडी का ही करता था गाइज पैगी का नहीं वोंडा का नहीं मिस मैसन का गॉट गेट चलो आगे देख लेते हैं कोई और एक्सट्रैक्ट तो नहीं है तो गाइज देर इज नो मोर एक्सट्रैक्ट और एक्स्ट्रैक्ट नहीं है आई थिंक देर आर सिक्स एक्सट्रैक्ट ओनली गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर डू शेयर दिस पोस्ट विद योर फ्रेंड्स इफ यू liked डिट डू नॉट फो गेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड प्रेस द बेल Button as well, and do not forget to visit our official website that is www.brainylads.in. You will get a lot of content over there. Thank you very much for being with us. Have a nice day, guys.